आप देख रहे हैं पीपीडी खबर। नमस्कार, पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समाज सेवा पर ब्रेक लग चुका है। जी हाँ, बुधवार 15 अप्रैल से आरएसएस द्वारा चलाए जाने वाला लंगर बंद हो गया। असल कारण क्या है लंगर बंद होने का, यह तो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन हम आपको वह बता रहे हैं जो आरएसएस के नगर संचालक अशोक लक्षकार ने हमारे संवाददाता मनोज कुलश्रेष्ठ को बताया। ये खबर जनपद एटा के कस्बा अवागढ़ से है। नगर में पिछले 15 दिनों से गरीबों की भूख मिटाने को चल रहा ये लंगर बुधवार से बंद हो गया है। नगर संचालक अवागढ़ का कहना है कि प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर ये लंगर कुछ दिनों के लिए बंद किया जा रहा है। श्री लक्षकार का कहना है कि अभी खेतों की कटाई आदि का काम चलेगा, इसलिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि वह अब कुछ दिन अपना घर और काम देख लें। इस खबर से लंगर में खाना खाने वाले गरीब जरूरतमंदों को गहरा झटका लगा है। श्री लक्षकार ने आश्वासन दिया है कि कृषि कार्य से फ्री होने के बाद कार्यकर्ता पुनः समाज सेवा में कार्य में जुट जाएंगे। हालांकि श्री लक्षकार का ये बयान कस्बा वासियों को आसानी से हजम नहीं हो रहा है। उधर लंगर के आखिरी दिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी मालती सिंह अचानक पहुंच गई और उन्होंने सोशल डिस्टेंस एवं गरीबों के लिए लंगर में बनाए जाने वाले भोजन का जायजा भी लिया। बताते चले कि आरएसएस के तत्वाधान में यह लंगर कस्बा अवागढ़ में भाजपा नेता राजेश वाशने के आवास पर चल रहा था, जो बुधवार 15 अप्रैल से बंद हो गया है। जनता के सहयोग से दूध दूर है, टोटल डिस्टेंस होना पिंडी में अलग है सब्जी और फूल। हाँ जी, हाँ जी, पूरी अलग है, हलवा अलग है। हलवा की पैकेट दिखा दो। सोना जी मैडम जी, हलवा है। हलवा क्या वैसे भी अभी तो खैर गए हूँ तो नहीं, अपने हिसाब से भी आपको डिस्टेंस बनाए क्या करें, ये चीन की देन सभी परेशान उसको इंस्पेक्ट करें कि क्या किचन में बनाया जा रहा है, किस तरह से सोशल डिस्टेंस भी रखी जा रही है कि नहीं, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग फूड डिपार्टमेंट से हैं तो इन चीज़ों को देखना मेरी ड्यूटी है। अवागढ़ में मैं सबसे पहले आपके यहाँ आई हूँ, इससे पहले मैं जलेसा गई थी आपके होटी धर्मशाला में, वहाँ पर भी मतलब माननीय मेयर साहब जी के चेयरमैन साहब के आनंद में हो रहा है काम। फिर इधर में अग्रवाल धर्मशाला में जो हमारे प्रशासन के थ्रू ए डी एम डी एल के थ्रू वहाँ पर खाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ तो भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ज्यादा डिस्टेंस लेकिन वहाँ पर धर्मशाला है, थोड़ा स्पेस ज्यादा है तो वहाँ ऐसा।
सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।